कोरोना वायरस की मार झेल रहा टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 14 पहले ही एक महीने लेट हो चुका है। फैन शो का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक शो की ऑन एयर होने की कोई खबर नहीं है। कोरोना की वजह से शो के फॉर्मेट में काफी बदलाव किए गए हैं ताकि घर में वायरस की एंट्री ना हो सके। इसी बीच खबर आ रही है कि डॉक्टर की टीम शो के सेट पर मुआयना करने पहुंची और इसी वजह से सेट पर हड़कंप मच गया। बता दें कि शो को इस बार सलमान खान होस्ट करेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना की गाइडलाइंस और मेजरमेंट्स को चेक करने के लिए ये टीम सेट पर पहुंची थी। घर में एक साथ कई लोग रहने वाले हैं, ऐसे में मेकर्स सबकी सेहत को लेकर काफी गंभीर हैं। दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 14 4 अक्टूबर को ऑन एयर होने जा रहा है, ऐसे में मेकर्स अपना काम तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। टीवी का सबसे फेमस शो बिग बॉस 14 जल्द ही एक अनोखी थीम के साथ दर्शकों के बीच दस्तक देने को तैयार है। शो के होस्ट सलमान खान ने एक टीजर में बताया था कि इस साल कैसे सीन पलटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जैस्मिन भसीन, पवित्रा पुनिया, नैना सिंह सहित कई सेलेब्स से रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया गया है। कंटेस्टेंट्स को इस महीने के अंत में कम से कम एक सप्ताह या उससे अधिक क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाना चाहिए था और यह शो 5 सितंबर से लाइव होने वाला था। हालांकि अब योजनाओं में एक बड़ा बदलाव है। खबरों की माने तो सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए शो अक्टूबर तक स्थगित किया जा रहा है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि मेकर्स 4 अक्टूबर से शो के साथ लाइव जाने की योजना बना रहे हैं। बिग बॉस 14 के साथ सलमान खान 11वीं बार होस्ट के रूप में वापसी करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से इस शो के लिए संपर्क किया है। इस बार शो की थीम जंगल होने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से बिग बॉस के घर में और कई बड़े बदलाव किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार घर में खिलाड़ियों को रेस्टोरेंट, होटल, जिम, मार्केट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा शो में कोरोना वायरस गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर बार की तरह इस बार सलमान ने अपनी फीस बढ़ा दी है। जहां पिछले सीजन में उन्होंने हर एपिसोड के लिए 12 से 13 करोड़ की फीस ली थी, वहीं इस बार एक एपिसोड के लिए 16 करोड़ वसूलने वाले हैं। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।